एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं ईशा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही चटपटी सी रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी आज पानी वाली फुल्की, जिसके आगे दही भल्ले, पकौड़ी चाट सब फीकी लगेगी। आप इसे एक बार बनाएं और रोज बना के खाएंगे। ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बन के तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े बड़े चाव से इसे खाएंगे। फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पानी वाली फुल्की बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी बेसन ले लिया है। नमक एज पर टेस्ट हम लेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर लेंगे और 1/4 टी स्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे। फुल्की के लिए सबसे पहले हम बैटर की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले बेसन को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए हमारे बैटर में। इसे अब हम छान लेते हैं। तो यहाँ हमने बेसन को छान लिया है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, अब एज पर टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं इसमें। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, इससे अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा हमारे बैटर में। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे बहुत बढ़िया कलर आएगा हमारी पकौड़ी में। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो सारे मसाले हमारे इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हमारे बैटर में। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे, इससे जो हमारा बैटर है वो लाइट हो जाएगा और जो हमारी फुल्की है वो अच्छे सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। तो इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है और जो हमारा बैटर है वो ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो इस बैटर को हमने 10 मिनट तक फेंट लिया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है वो काफ़ी लाइट हो गया है और एकदम फ्लफी हो चुका है। तो अब इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हमने एक कटोरी ले ली है और इसमें पानी भर लिया है। तो अब हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो बैटर है वो तुरंत ही ऊपर फूल के आ गया है। तो इसका मतलब है जो हमारा बैटर है वो एकदम परफेक्ट है फुल्की के लिए। तो इससे जो हमारी फुल्की है वो अच्छी सॉफ्ट और फुली फुली बनेगी। तो इसी तरीके का हमको बैटर चाहिए फुल्की के लिए। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। चटपटा चटकारेदार पानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है। इसमें हमने 2 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। यहाँ हमने नॉर्मल पानी का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसकी जगह ठंडे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें पुदीने वाली चटनी का यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, जो हम रोज़ अपने घर में बनाते हैं धनिया पुदीने की। अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे 1 छोटी कटोरी। यहाँ हमने 50 ग्राम इमली ली थी जिसे हमने भिगो के रखा था और उसके बाद इसका पल्प हमने निकाल लिया है। इससे बहुत टेस्टी और चटपटा हमारा पानी बनेगा। नमक ऐड करेंगे, सफ़ेद नमक 1/2 टीस्पून। 2 पिंच हींग ऐड करेंगे, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे चटपटा टेस्ट देने के लिए। 1/2 टीस्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा चटपटा आप खाना पसंद करें। 1 टीस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए। 1 नींबू का रस ऐड करेंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी चटपटा ये हमारा पानी बन के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कितना चटपटा लग रहा है। तो आप इसे टेस्ट करके भी इस समय चेक कर सकते हैं कि कोई भी मसाले अगर कम ज़्यादा हो तो आप उसमें ऐड कर दें। तो अब हम इसमें फ्रेश पुदीना और फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारे पानी में और फुल्की खाने में भी टेस्टी लगेगी। 20 मिनट हो चुका है हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए। तो हमारा जो बेसन है वो अच्छा फूल चुका है। तो दोबारा इसे अब हम फेंट लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो हमारे बैटर में एयर फॉर्म हो जाएगी और इससे जो हमारी फुल्की है वो अच्छी सॉफ्ट और फुली फुली बनेगी। तो आप देख सकते हैं इसे बिना सोडे के ही जो हमारी फुल्की है वो अच्छी फुली फुली बनेगी। बस आपको फेंटना ज़्यादा है जिससे कि जो हमारा बैटर है वो लाइट हो जाए और एकदम फ्लफी हो जाए। तो बिना सोडे के भी जो आपकी फुल्की है वो अच्छी फुली फुली और सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो इसे 4 से 5 मिनट तक हम फेंट लेंगे हाथों से।
तो 5 मिनट तक हमने हाथों से अच्छा फेट लिया है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा बैटर है वो काफी फुग्गे की तरह फूल चुका है और एकदम लाइट हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये हमारा बैटर अब रेडी है फुल्कियाँ बनाने के लिए। तो अब हम फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। फुल्की बनाने के लिए ऑयल को हमने यहाँ पे गरम कर लिया है, तो अब हम फुल्कियाँ बना लेंगे। तो फुल्की का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हो। और इसी तरीके से हम सारी फुल्कियाँ ऐड करते जाएंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रख के इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं तेल में जाते ही जो हमारी फुल्की वो अच्छे से फूलती जा रही है, तो इसका मतलब जो हमारा बैटर है वो एकदम परफेक्ट बना है। तो इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें आप, ताकि जो हमारी फुल्की है वो कच्ची ना रहे अंदर से, और बीच बीच में इस तरीके से हम इसे फ्लिप करते जाएंगे। ये फुल्की हमारी अच्छी फूल चुकी है और गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बनी है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली और मस्त बनी है ये। ये सारी फुल्की को हमने तेल से निकाल लिए है, तो अब यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया है जिसमें हमने पानी ऐड किया है, तो इसमें हम फुल्कियों को ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक इसी के अंदर हम भिगो देंगे इन्हें। 1 मिनट हो चुका है हमारी फुल्की को पानी में डूबे हुए, तो अब हाथों से हम इसे हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। वैसे हम चटपटे पानी में ऐड करते जाएंगे इस तरीके से, तो हल्का हल्का इसे हम प्रेस करेंगे। तो सारी फुल्की को इसी तरीके से हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो सारी फुल्की को हमने चटपटे पानी में ऐड कर दिया है, तो फ्रेंड्स अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और चटपटी ये हमारी फुल्की बनके तैयार हुई है, आप देख सकते हैं कितनी फुली फुली बनी है। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो देखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में भी सुंदर लगेंगे, और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारी फुल्की। तो अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। तो अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है ये हमारी फुल्की। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है और कितनी सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। और इसका पानी तो इतना चटपटा है कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और आपने देखा ना इसे बनाना भी कितना सिंपल और ईजी है, और जब मन चाहे और जब कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप इसे तुरंत बना के तुरंत खा सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, और मिनटों में बन के तैयार भी हो जाती है। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।